गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, 18 समर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, आर्मी के नेक्स्ट चीफ कौन बनने वाले हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, मनोज मुकुंद नरवाने होंगे आर्मी के नेक्स्ट चीफ। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या याद रखने वाले, 28th चीफ होंगे जी आर्मी के मनोज मुकुंद नरवाने, प्रेजेंटली 27th हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही जाना, जनरल बिपिन रावत 27th हैं, वो रिटायर हो जाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 31st दिसंबर। ओके, जो उसके बाद चार्ज लेंगे वो होंगे जी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो प्रेजेंटली हमारे आर्मी के वाइस चीफ है। ओके, इन्हें प्रमोट करके बना दिया जाएगा आर्मी का चीफ एंड ए हो गए 28th यानी कि 28th चीफ। ओके, अब आर्मी की बात आए तो इंपॉर्टेंट डे इज़ आर्मी डे। कौन सी डेट को होता है आर्मी डे? होता है जी हमारा 15th जनवरी को, 15 जनवरी को आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी इज़ सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके, सर्विस बिफोर सेल्फ इज़ द मोटो ऑफ इंडियन अवर इंडियन आर्मी। तो ये पॉइंट आप याद रखने, एंड बाकी ऑप्शन में जितने हैं, वीके जोहरी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बीएसएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल बने, कुछ टाइम पहले बने थे, ये याद रखना है। आर के एस भदौरिया हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है। करमबीर सिंह हमारे नेवी के चीफ हैं, ठीक है, नेवी डे अभी हमने दिसंबर मंथ में 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पिक्चर भी आपके सामने नरवाने जी की सामने है। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा जी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण। सो नाउ यू हैव टू आंसर कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होती है सूर्य किरण। तो इस बारी का जो एडिशन हुआ ये हुआ जी नेपाल में। ओके, तो बस आपको यहाँ पे याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होती है, बिटवीन इंडिया नेपाल। ओके, एंड अबाउट द कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज होती है नेपाल के बारे में बेसिक डिटेल्स, कैपिटल इज काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर इज के पी शर्मा ओली, एंड द प्रेजिडेंट ऑफ नेपाल इज विद्यादेवी भंडारी। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे याद रखने बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट करते आर एन रवि, जो नागालैंड के गवर्नर है, हैज़ बिन गिवन एडिशनल चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय कुछ टाइम की एब्सेंस में, ठीक है, लीव पे, सो एडिशनल चार्ज दे दिया गया आर एन रवि को, जो नागालैंड के गवर्नर भी कुछ टाइम तक संभालेंगे, वो तो ऑफकोर्स नागालैंड के हैं ही हैं, एडिशनल चार्ज मेघालय का भी उनको दे दिया गया, आर एन रवि इनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, मध्य प्रदेश सीएम टू इनॉग्रेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन खजुराहो मध्य प्रदेश। ओके, एक गांव है खजुराहो, तो वहां पे मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी इसको इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इवेंट्स लाइक इंटरेक्शन विद फिल्म स्टार, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, मोबाइल फोन मेकिंग वर्कशॉप्स, ये सारी यहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे फॉर प्रमोटिंग लोकल आर्ट एंड कल्चर। ओके, अब बस स्टेट याद रखो, यहाँ पे ज़्यादा इतना डेप्थ में नहीं करना आपको, गांव का नाम याद रख लो, एंड इसके बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, सीएम कमलनाथ, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे याद रखो आप। ओके, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको करने ही करने। सो दिस इज़ द एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर, 1000+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंपाइल करके फ्रॉम जून टू नवंबर 2019 1000+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर हैं, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये कर लेते हो तो श्योरली आप अपना करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी अच्छे वे में इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप ये पीडीएफ कर लेते हो। लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन इन जस्ट 69 रुपीज़ अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, ज़रूर परचेज करें एंड अपना करंट अफेयर सेक्शन बूस्ट करें लास्ट 6 मंथ का, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी हेल्प चाहिए, दिस इज़ माई ईमेल आईडी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर सेलेक्टेड यूनियन टेरेटरी ऑफ जे एंड के फॉर नेशनल अवार्ड। तो इसे सेलेक्ट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी ये बन चुका है, हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड बाय यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, इसको सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा हुआ, काफ़ी अच्छे वे में हुआ, तो इस वजह से अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया हमारा यूनियन टेरेटरी, काफ़ी अच्छी बात है। वेल, देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ का हम कट चुके हैं इस टाइम फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम लास्ट 5 मंथ बंद है, बट स्टिल इट्स अचीवमेंट फॉर अवर यूनियन टेरिटरी कि हमें यहाँ पे ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए एंड लद्दाख की बात की जाए,
जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी न्यू बने गिरीश चंद्र मुर्मू, एंड लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने अभी न्यू वो बने हैं जी राधा कृष्ण माथुर। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस रवि मित्तल टेक चार्ज एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। ओके, तो सेक्रेटरी बन गए, अब सबसे पहले सेक्रेटरी से सबसे पहले तो मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावेदकर, वो याद रखना। अब जो आईएएस ऑफिसर रवि मित्तल टेक चार्ज एज अ न्यू सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, एम आर मित्तल टुक चार्ज एज फ्रॉम अमित, जो पहले थे अमित खेरे, नाउ द न्यू विल बी रवि मित्तल। ओके, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इज प्रकाश जावेदकर। सेवंथ क्वेश्चन इज हरियाणा पुलिस बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस तरीका सॉफ्टवेयर इन FSLL। अब ये क्या चीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हरियाणा पुलिस हैव इंट्रोड्यूस अ यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, तराकिया इसका नाम है, टू एनेबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफ द सैम्पल्स कलेक्टेड इन फॉरेंसिक रिपोर्ट। ओके, जो इससे पहले भी जो ट्रेडिशनल मेथड फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो भी डेटा कलेक्ट किए जाते थे लाइक किसी भी क्राइम स्पॉट से या वहाँ से, तो जो उसको रखा जाता था, नाउ हरियाणा पुलिस फर्स्ट बनी जिसने एक यूनिक सॉफ्टवेयर तराकिया, ठीक है, जो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक इसमें क्या होगा कि जो भी सैंपल्स वगैरह रखे जाएंगे उसको एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड्स पहले यूज़ किए जा रहे थे, इट विल बी मोर सिक्योर एंड सेफ इन दिस सॉफ्टवेयर तराकिया। ओके, टू एनेबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफ द सैम्पल्स कलेक्ट इन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस यूनिक बार कोडिंग सिस्टम। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सी एम, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इनाग्रेटेड दिस तराकिया बार कोडिंग सिस्टम फॉरेंसिक लेबॉरटरी, ओके, एट FSL एट मधुबन हरियाणा। अब ये याद रखना, सीएम मैं आपको बता चुका हूँ मनोहर लाल खट्टर, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद लॉन्चेस हिज ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर। सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय विश्वनाथन आनंद, हमारे कंट्री के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, इन 1988 ग्रैंड मास्टर बने थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ अवर कंट्री विश्वनाथ आनंद हैज़ लॉन्च इट्स ऑटोबायोग्राफी चेस मास्टर माइंड मास्टर। ओके, आनंद ऑटोबायोग्राफी इज ऑथराइज बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुसान नियान। ओके, तो इनका नाम भी याद रखना, जिसने ऑथराइज किया विश्व आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। ओके, द बुक कवर्स वंडरफुल मेमोरीज ऑफ विश्वनाथ आनंद जर्नी, इनकी पूरी लाइफ की इसमें जो भी जर्नरी है इन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नरी अपनी लाइफ पूरी यहाँ पे शेयर की है इन दिस ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, एंड वीडियो अच्छा ज़रूर लगा, एंड पहली बार अगर विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, एंड इसको जितना हो सके शेयर भी करें, बिकॉज आप लोगों के हमें सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम यू फॉर यू, यू हैव टू आंसर कि कौन बनी है अभी मिस वर्ल्ड 2019 की न्यू मिस वर्ल्ड अभी बनाई गई है। सो यू हैव टू आंसर कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है, एंड इसमें आप मिस यूनिवर्स भी 2019 की ऑप्शंस में अवेलेबल, आंसर इज अवेलेबल इन द ऑप्शंस, सो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करा करें, इसको शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।